नमस्कार, आप देख रहे हैं समय एसआरयू उल्टा न्यूज। हम आपके साथ जुड़े हैं वृजन कुशवाहा। जैसा कि हम लगातार नगर पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव के दौरों पर हैं और लोगों के रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता दें कि दरअसल आज हम पहुंच चुके हैं आज बड़ागांव नगर पंचायत में, जहां काफी मोहल्लों में यहाँ मैं भ्रमण करने के लिए निकला हूँ। लोगों का रुझान जान रहा हूँ कि यहाँ काफी प्रत्याशी मैदान में है, यहाँ की जनता कैसा प्रत्याशी चाहती है। हमारे साथ कुछ जुड़े होगी भैया, आपका नाम क्या है? संतोष कुमार। गुलशन कुमार। अच्छा, गुलशन कुमार कहाँ से हो? तारपाटा। इस बार आप पड़ागांव में चेयरमैन की चुनाव चल रहे हैं और नामांकन भी कल हो चुके हैं, तो क्या आप किस प्रकार का प्रत्याशी चाहते हैं? कौन सर? हमारा प्रत्याशी हरिकृष्ण कुशवाहा। हरिकृष्ण कुशवाहा, हम चाहते हैं कि वो हमारे प्रत्याशी रहे जी, चेयरमैन बने वो हमारे, उन्हीं की चाहता हूँ। अच्छा, हरिकृष्ण कुशवाहा जी, ऐसा क्या है हरिकृष्ण कुशवाहा जी जो यहाँ का विकास कराएंगे? सर ऐसा है कि उन्होंने जब सत्ता में नहीं थे, उन्होंने इतना विकास किया बड़े गाँव का, इतना विकास किया जिसमें हम सोच नहीं सकते थे। अच्छा। जब वो सत्ता में आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे, तो वो इतना कर देंगे कि हम लोगों की उम्मीद से ज्यादा कर देंगे। अच्छा, चलिए हमारे साथ और भी चुनौती। भैया आपका नाम क्या है? जसवंत सिंह। आप कहाँ से? क्या है यहाँ का, मतलब क्या रुझान है, यहाँ के आंकड़े क्या कह रहे हैं, कौन प्रत्याशी आपका जो है मजबूत है, किसको आप अध्यक्ष बनाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है हरिकृष्ण कुशवाहा जी यहाँ से लगभग कैसे जीत पाएंगे, कितने कैसा रुझान रहेगा जीतने का? जीतने का तो ऐसा है कि और भी हम जानेंगे, हमारे साथ काफी हमारी दादाजी है। आप ये बताइए, हम दर्शक आपको देख रहे हैं और आपके बड़ागांव में आपको लगता है जो आपका विकास कर पाएगा? मतलब बड़ागांव की ओर से हरिकृष्ण को मतलब जो है धन्यवाद देता हूँ कि नई उमंग एक लहर मतलब जो है बड़ा गांव में आई है और बड़ी ही मतलब उत्साह से सभी लोग जो है हरिकृष्ण को। आप जो है बड़ा गांव के किस वार्ड से हो? किस मजपटिया। एक नंबर वार्ड से। देखिए दर्शकों, जैसे कि लगातार लोग बता रहे हैं कि हरिकृष्णा का नाम आ रहा है, लेकिन अभी और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भैया जुड़े हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या है, दर्शकों को बताइए? मेरा नाम प्रताप सिंह कुशवाहा जी। प्रताप सिंह, का किस मोहल्ले से हो आप? तारपाटा 3 से हूँ। अच्छा, वार्ड नंबर 3 से हो, तो क्या लगता है आपके बड़ागांव में इस बार कौन चेयरमैन बनने जा रहा है? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती मीरा कुशवाहा पर जताया है। अच्छा अच्छा, आपका भाजपा ने तो जताया है, आपका किस पे विश्वास है, कौन जीते? मेरा मानना है कि हरिकृष्ण कुशवाहा जी माता जी 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 के अलावा बड़ागांव के लिए कोई विकल्प है ही नहीं। देखो दर्शकों, और भी लोगों से चर्चा करूंगा। यहाँ तो हरिकृष्णा का एक तरफा नाम लिया जा रहा है, लेकिन क्या है हरिकृष्णा, मैं जानने की कोशिश करूंगा लोगों से। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लाखन सिंह यादव। लाखन सिंह यादव जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, पूर्व मंडल अध्यक्ष हो आप, तो यहाँ बड़ागांव में चेयरमैन में कौन आपको लगता है मजबूत प्रत्याशी है? और देश को यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है जी जी, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी का 2-3-4-5 बार अभी प्रत्याशी जीता जी, तो इस बार भी बम्पर जीत हुई। आपको क्या लगता है, इस प्रकार लोगों का भी मन, हम रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोग भी बता रहे हैं हरिकृष्णा जी बड़ा युवा हैं और अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, बढ़िया है, प्रत्याशी टॉप है, सब लोग में सामंजस्य है, पार्टी के सारे पदाधिकारी इकट्ठे है, पूरा सब लोग एक दूसरे के लगेंगे चुनाव में और चुनाव की वजह से ही जी। हमारे साथ और नाम क्या है? मान सिंह कुशवाहा। मान सिंह कुशवाहा। अच्छा, कुमान सिंह। कुमान सिंह। कुमान सिंह, दादाजी आप ये बताइए बड़ागांव में कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? बड़ागांव में शिक्षित वर्ग बड़ागांव के विकास के लिए काम करे जी, ऐसे प्रत्याशी। तो आपके बड़ागांव में काफी लोग दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है इनमें कौन आपको बेस्ट रहेगा, कौन आपका गाँव बड़ागांव का विकास करा पाएगा? मीरा देवी। मीरा देवी जी। अच्छा, मीरा देवी जी जो भाजपा से प्रत्याशी बनाई गई ना। अच्छा अच्छा, चलिए हमारे साथ और भी, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ बड़ागांव से कौन ऐसा मजबूत प्रत्याशी है जो आप सुनना चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी? भाजपा का प्रत्याशी है, अच्छा भाजपा का प्रत्याशी और अच्छे काम हुए अभी तक, तो ये हुआ कि बे रोड बने हैं, बे घर के बन जाते हैं, विकास भी खुल जाती है।
अच्छा, और आपको ये बताइए कि हरिकृष्ण कुशवाहा जी का जो नाम आप ले रहे हो, यहाँ भाजपा का प्रत्याशी मजबूत है, तो क्या है हरिकृष्ण कुशवाहा जी, कहाँ विकास क्या लगता है, कौन कौन विकास जो अधूरे हैं वो आपके करा जो अधूरे होंगे पूरे विकास होंगे वो। अच्छा, वैसे आपके मूलभूत क्या आवश्यकता है बड़ागांव के लिए, क्या कमियां ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई? कमियां तो बहुत सारी। अच्छा, आप किन मुद्दों पर काम करवाना चाहते हैं हरिकृष्ण कुशवाहा जी, ऐसे कौन से काम है? रोड है, पानी का निकास है, जी जी तमाम काम है, अधूरे काम पड़े हैं वो पूरे होंगे। हम कैमरामैन से चाहूंगा कि हमारे थोड़ा यहाँ की और भी बताइए, हमारे कुछ युवा भी हैं जरा उनसे बात करेंगे, और हमारे साथ कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे। बेटी आपका नाम क्या है? महक कुशवाहा। महक कुशवाहा जी, ये बताइए आप तो फिलहाल अभी वोटर नहीं हुई होंगी, अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? सेवन्थ में पढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपकी बड़ागांव की लोग बड़ा रुझान बता रहे हैं हरिकृष्ण हरिकृष्ण, लेकिन फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपको क्या लगता है यहाँ से कौन कैसे मीरा देवी? मैं तो मीरा देवी और हरिकृष्णा क्या एक ही है ना? हाँ। अच्छा, तो मीरा देवी हरिकृष्णा में ऐसा क्या आपको देखने को लगा कि सब लोग उनको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, क्या करते हैं वो कुछ अच्छे विकास के काम करते हैं? उनके विकास के। अच्छा, वैसे मूलभूत उनका मेन कार्य क्या है, क्या कार्यों को देखकर लोग अच्छे? उनका कार्य जैसे कि हेडपम्प के बगल में वो टंकी रखवाना। अच्छा अच्छा, खेल उत्सव करवाना, खेल उत्सव भी करवाते हैं वो। दर्शकों, जैसा कि लगातार देख रहे थे हमारे साथ जुड़े हुए थे काफी लोग, यहाँ यहाँ का रुझान बड़ागांव के कुछ वार्डों के थे, और यहाँ बच्चे भी लोगों ने भी बताया कि हरिकृष्ण कुशवाहा ये कैसे युवा हैं और जो लगातार बच्चों के हितों के काम करते हैं, देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं, युवाओं के लिए खेल कूद के मैदान, खेल कूद क्रीड़ा जो खेल के कार्यक्रम होते हैं उनको भी आयोजित कराते हैं। सब लोगों का एक ही मत है कि हरिकृष्ण कुशवाहा इस बार बड़ागांव के चेयरमैन बनेंगे। अब देखने वाली बात है कि यह जितने लोगों के जो मत है, क्या बड़ागांव की जनता हरिकृष्ण कुशवाहा को यहाँ का चेयरमैन बना पाएगी, अब देखते हैं। लगातार देखते रहिए हमारे साथ, मैं बड़ागांव के और भी वार्डों को आपके सामने रूबरू कराऊंगा। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ एसआरबी बुलेटिन न्यूज के साथ, झांसी संवाददाता ब्रजेंद्र कुशवाहा के साथ।